वालापुर में सोते समय एक शख्स को सांप ने काटा, अस्पताल ले जाने की जगह परिजनों ने झाड़ फूंक में गवाए समय हुई मौत। शिवपुरी जिले में पैराट थाना क्षेत्र के वालापुर गांव में सर्पदंश से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह तड़के 4 बजे सोते समय शख्स को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजन शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के बदले पास के गांव में झाड़ फूंक कराने ले गए। बाद में जब परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जा रहे थे, तब शख्स ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार जवाहर आदिवासी निवासी वालापुर थाना बैराट ने बताया कि उसके छोटे भाई अजमेर आदिवासी को रात में सोते समय सांप ने काट लिया, जिसके बाद वे झाड़ फूंक करने अजमेर को धोरिया गांव ले गए, जहां आराम नहीं मिलने पर वे उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी ला रहे थे, तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने अजमेर को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? जवार। जवार आंगे? बहुत छोटा भाई है। नहीं, जवार आंगे नाम के लिखते हो आप? सरनेम? आदिवासी। कहाँ के निवासी हो आप? बालापुरा के। क्या समस्या हुई आपके साथ? अरे सांप ने काटा, छोटा भाई हमारा। क्या नाम है भाई का? अजमेर सिंह। क्या? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। पिता का नाम क्या उनके? नीतू। उम्र? 50 साल उम्र है। तो कैसे, क्या हुआ उनको? अरे रात में वो कालो। कितने बजे का समय था? अब ये पता नहीं, 4 बजे के टाइम, रात के 4 बजे। मैं सोते समय ऊपर सो रहा था, छत पर सो रहे थे ऊपर, रात में सोते समय खा लिया। फिर उसके बाद आप उसको कैसे लाया गया शिवपुरी? शिवपुरी जैसे लाया, धोरिया लाके दूरा दे। कहाँ पे? धोरिया। धोरिया कहाँ पे? कौन सा लगता है? ठीक है, फिर बहते बैठे जब कौन सी बस ऐसी कर ली लेपर सीपरी के लिए एम्बुलेंस लाए थे कि कैसे लाए? पर्सनल वाहन से एम्बुलेंस थे। एम्बुलेंस से फिर यहाँ पर क्या हुआ? रास्ते में खत्म हो गया। खत्म है, रास्ता में खत्म है। अच्छा, रास्ते में खत्म हो गया। ठीक है।